चलिए कुछ नया बनाते हैं। आज बच्चों के लिए हम नाश्ता तैयार करेंगे दोस्तों, और वो भी सिंपल तरीके से तैयार करेंगे। जब भी आपके घर में रात की रोटी बच जाए तो आप इस तरह से नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक बारीक कटा हुआ टमाटर लिए हैं, दो आलू लिए हैं दोस्तों, इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़े में, दो बारीक कटा हुआ प्याज लिए हैं और बारीक कटा हुआ लहसुन। देखिए दो हमने रोटी लिया है, देखिए हमने रात को रोटी बनाई थी तो सुबह बच गया था, चलिए हम इसका ही नाश्ता बनाएंगे और इस तरह फोल्ड करके कट कर लेंगे। देखिए इस तरह रोटी को, दो रोटी को फोल्ड करके कट कर ले, नहीं तो एक रोटी को भी फोल्ड करके कट कर ले इस तरह कैंची से। देखिए इस तरह कैंची से कट कर ले, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कटिंग हो गया। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए फ्राई करते हैं। हमने एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने दे दिया था दोस्तों, हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब हम उसमें डालेंगे कटिंग किया हुआ रोटी को, देखिए, और इस तरह फ्राई करेंगे। हमें फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगभग लग जाती है। देखिए ये फ्राई हो जाता है तो बहुत ही क्रिस्पी लगता है दोस्तों खाने में। देखिए इस तरह हमें फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा कलर चेंज हो जाए जब तक हमें फ्राई करना है। देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है दोस्तों, और ये रोटी फ्राई हो चुका है। देखिए इससे आवाज थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। इसे निकालने से 1 मिनट पहले आप लो फ्लेम पे फ्राई कर ले दोस्तों, लो फ्लेम करने से क्रिस्पी बन जाता है रोटी। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, कितना क्रिस्पी लगेगा। आप इसे नमक भी डाल के खा सकते हैं, नहीं तो चलिए अलग नाश्ता बनाते हैं। अब उसी तेल में थोड़ा तेल निकाल लिए, उसमें थोड़ा सा जीरा डाले हैं, जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। हम इसमें आलू डालेंगे और आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्राई करते हुए ये पक जाना चाहिए थोड़ा। देखिए अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे दोस्तों, लहसुन आप पहले भी डाल सकते हैं, हम अब डाल रहे हैं। अब आलू के साथ भूनेंगे। देखिए इस तरह हमें आलू को भूनना है जब तक कि थोड़ा कुक ना हो जाए। देखिए और इससे थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह हमें भून लेना है। आप इस तरह से भूनेंगे तो रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। देखिए इस तरह हमें चेक कर लेना है, देखिए कुक हो चुका है थोड़ा। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब हम इसे भूनेंगे, देखिए इसे 1 से मिनट के लिए भूनना है। देखिए इसे इस तरह भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा मसाले डाल देते हैं, अब बच्चों के लिए डाल रहे थे थोड़ा डाले दोस्तों। इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और चुटकी सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालें। आप थोड़ा थोड़ा डालें दोस्तों, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो और इस तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह हमें मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए और भून लेना है। देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है दोस्तों टमाटर और प्याज, हम इसे भून लेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, हमें लो फ्लेम नहीं करना है। ये आलू प्याज भून चुका है दोस्तों, अब हम इसमें फ्राई किया हुआ रोटी डालेंगे। देखिए ये हमने फ्राई किया था वो रोटी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हम आधी छोटी चम्मच मैगी मसाला डालेंगे दोस्तों, इसमें डालने से थोड़ा टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और इस तरह मिक्स कर लें। देखिए इस तरह हमें मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। देखिए इसे 1 मिनट के लिए और भून लें। देखिए इस तरह मिक्स करके, देखिए ये रोटी का नाश्ता तैयार है दोस्तों। आपको ये रेसिपी कैसा लगा, देखिए कितना टेस्टी बना है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। देखिए ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी लगा था दोस्तों। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जब भी आपको रोटी खाने का नाम मन करे तो इस तरह से आप नाश्ता जरूर बनाइएगा। बच्चे ये रोटी का भी बना सकते हैं दोस्तों, जब भी आपके घर में बच जाए तो आप इस तरह से नाश्ते में बनाकर जरूर खाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसा लगा दोस्तों हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।